हमारा बेटा बहू हमको कुछ समझता नहीं, कुछ नहीं समझता, हमको कुछ मानता ही नहीं, रोने लगी, कुछ नहीं समझता, बहुत उपेक्षा करता है, भोजन भी नहीं देता, अलग बनाती हूँ खाना, हमको कुछ नहीं समझता। हमने कहा ठीक ही ना करता, आपको समझे भी तो क्या समझे। बुढ़िया नाराज हो गई, कहे महात्मा हो के आप ऐसे बोलते हैं कि ठीक ही करता है, हमारा बेटा पुतो हमको कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं मानता। हम कहे माने भी तो तुमको क्या माने, ठीक ही ना करता है, आपको कुछ नहीं समझता। कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं। हमने कहा बच्चे को आपने जीवन में बचपना से समझाया कि बच्चे हम कुछ नहीं, सब कुछ ऊपर वाला है। वो गुसाई घर में जो कांटी से चिपका हुआ है, दीवाल में ठुका हुआ है, दीवाल में जो लटका हुआ है कांटी से, वही सब कुछ है, हम कुछ नहीं है। बचपन से नूनू बउआ को, बच्चे को आपने यही संस्कार दिया है, उसी को गोड़ लगो। माता बहने सब किसको गोड़ लगवाती, प्रणाम करवाती, जाओ गुसाई घर में फोटू को प्रणाम करवाइए। हे माता पिता को प्रणाम करवाने वाली महिला जो अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को बोले जाओ बाबू, माँ को प्रणाम करो, पिता को प्रणाम करो, दादा दादी को प्रणाम करो, ये भगवान है, समझाती है बचपन से, महिला समझाती है, माँ समझाती कि बेटा हम कुछ नहीं, वही सब कुछ है। तो बड़ा होकर बेटा कहता है, बड़ा होकर बहू कहती है तुम कुछ नहीं हो, वही सब कुछ है, तो फिर रोते क्यों हो, रोते क्यों हो। आप ही नहीं समझाए बच्चों को कि हम कुछ नहीं है, वही सब कुछ है, उसी को मानो। तो बड़ा होकर बेटा उसको मानता है, आपको छोड़ देता है। दुर्गा आएगी तो दुर्गा की भक्ति में लग जाएगा, सरस्वती आएगी तो अभी सब बच्चे देखिएगा, स्टूडेंट सब छात्र छात्राएं उसी की भक्ति में लग जाएगी। माँ बाप कुछ नहीं, टीचर कुछ नहीं, दादा दादी कुछ नहीं। क्यों ये संस्कार आप बच्चों को दे रहे हैं, और ये संस्कार बच्चों को दीजिएगा तो आपको ही रोना पड़ेगा। आज जो रो रहे हैं माँ बाप, क्यों? कौशल्या की माँ को रोना नहीं पड़ा, समस्या आई उनके जीवन में राज्य को लेकर। केकई कह रही थी कि मेरा बेटा भरत राज्य राजा बनेगा, पर माँ ने कभी नहीं कही, कौशल्या ने नहीं कहा कि नहीं मेरा ही बेटा बनेगा। गोतनी गोतनी में कभी लड़ाई नहीं। राजा की तीन पत्नी थी, लेकिन तीनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, तेरा बेटा ही राजा बन जाए। कौशल्या की माँ, कौशल्या का बेटा राम भगवान को 14 वर्ष वनवास केकई ने दिया, लेकिन कौशल्या ने एक बार भी झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं किया कि क्यों मेरे बेटा को वनवास दे रहे। संस्कार और शिक्षा की जरूरत है। आज तो माताएं घर में झगड़ झगड़ के जीवन जीती है, गोतनी गोतनी एक दूसरे को देखना नहीं चाहती। और जब देवरानी जिठाई में, जिठानी में झगड़ा होता है तो भाई भाई भी आपस में मनमुटाव हो जाता है, भाई भाई भी साथ में नहीं रहना चाहते। आजकल देखिए घर द्वार, पहले बड़े बड़े दरवाजा द्वार आंगन हुआ करता था, बड़ा बड़ा। आज अगर दो भाई है, तीन भाई, तो तीन को टाटी लगेगी तब दोनों भाई एक जगह रहेंगे। टाटी बिना कोई किसी का जीवन नहीं चलता। द्वार में टाटी, अंगना में टाटी, सब जगह टाटी। किधर का आदमी उधर नहीं देखना चाहिए, दुश्मन बन गया भाई, दुश्मन बन गया। तो संत कहते हैं कि माँ बाप सबसे बड़े देवता होते हैं। ये कबीर पंथ की बात नहीं कर रही, हमारा हिंदू धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, सनातन ग्रंथ है ऋग्वेद। और ऋग्वेद का सबसे प्रथम मंत्र है कि मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, प्रथम मंत्र है। पर ये संस्कार हमारे समाज में माँ बहन अपने बच्चों को नहीं दे रही, केवल शिकायत करती, हमारा बेटा नालायक निकल गया, ठीक नहीं है, बड़ा चंचल, बड़ा तेज, बड़ा। ये क्यों? संस्कार के अभाव में। और दूसरी समस्या हमारे समाज में कि आजकल एक शिकायत और करते हैं कि आजकल अच्छी बहू नहीं मिलती। सही बात ना, आजकल अच्छी बहू नहीं मिलती। सब लोग शिकायत करते कि आजकल अच्छी बहू, अच्छी बहू कहीं बाहर से आएगी कि चीन, जापान, अमेरिका से लाइएगा। बहू कहाँ से बनती और बेटी कहाँ से बनती? अलग अलग फैक्ट्री है कि बहू और बेटी की अलग अलग फैक्ट्री नहीं है?
बेटी ही बहू बनती है, पर बेटी से किसी को शिकायत नहीं है। शिकायत किससे है? शादी जैसे ही हुई वो बहू बनी, घर में आई शिकायत चालू कि आजकल अच्छी बहू नहीं मिलती, संस्कारी बहू नहीं मिलती, संस्कारी बहू नहीं मिलती। इसका मतलब संस्कारी बेटियां नहीं हो रही है। जिस दिन बेटियां संस्कारवान हो जाए उस दिन संस्कारी बहू मिलना शुरू हो जाएगी। बेटी को संस्कार नहीं दे रहे और बहू से चाह रहे कि अच्छी संस्कारवान हो जाए। होगा ऐसा? बेटी ना बहू बनेगी। आज आपके घर की बेटी कल दूसरे के घर की बहू बनेगी, दूसरे घर की बेटी आपके घर की बहू बनेगी। समाज में ही ना आदान प्रदान होता है। अच्छी बेटी ही अच्छी बहू बनती है, अच्छी पत्नी बनती है, अच्छी बहन बनती है, अच्छी माँ बनती है, अच्छी सास बनती है। एक बेटी के कई रूप है। बेटी में संस्कार नहीं दीजिएगा तो वो अच्छी बहू नहीं बन पाएगी, अच्छी पत्नी नहीं बन पाएगी। कितनी पत्नियां शादी होती है, पति से झगड़ते रहती है। अभी कल एक फोन आया था, कहा साहब जी आइए ना हमारी बहू को समझा दीजिए, 6 महीना भी नहीं हुआ शादी का, बहू जाके मायके में बैठी हुई है। क्यों? माँ बाप बेटी को संस्कार नहीं दे पाते। दहेज में देते हैं, क्या देते हैं? टीवी, फ्रिज, कूलर, बेड, मोबाइल, पता नहीं कितना सामान देते हैं। और कोई अमीर है तो कार भी दे देते हैं, पर संस्कार नहीं देते। और संस्कार के बिना सब बेकार। अब सब आइटम दीजिए, कार भी दे दीजिए, पर संस्कार जरूर दीजिए, क्योंकि संस्कार असली धरोहर है, असली पूंजी है, असली आपका गिफ्ट है, क्योंकि इसी से आपकी बेटी ससुराल को रोशन करेगी, संस्कार से, कार से नहीं। कहते हैं बेटा तो केवल एक ही कुल को रोशन करता है, बेटा केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां दो दो कुलों को रोशन करती है, नैहर भी और ससुराल भी, अगर संस्कारवान हो गई। बेटी अगर संस्कारवान नहीं तो दोनों कुल को डुबो देती है। इसलिए बेटियों को संस्कार देना। अभी हमारे भाई गा रहे थे भजन कि जाके ससुरा में, मुझे तो आप लोगों की भाषा नहीं आती लेकिन थोड़ी थोड़ी समझती हूँ, तो अर्थ तो कुछ समझ रही थी कि ससुराल में जाकर बेटी तुम क्या करना, ठीक से सास ससुर की सेवा करना। पर ससुराल में जाते तो सब भूल जाते हैं, कहते हैं हाँ अब तो हम मालकिन बन गए। घर में तो शायद मालकिन नहीं बन पाए नैहर में, लेकिन ससुराल में मालकिन जरूर बन जाती बेटियां। घर में थोड़ा डरती थी लेकिन ससुराल में बिल्कुल डर नहीं, निडर एकदम। हर नारी में, हर देवी में तीन गुण होना चाहिए। आज एक शिक्षा इस नए वर्ष में मेरा सीख, एक निवेदन जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। अपनी बेटियों में, अपनी बहुओं में, नारी में तीन गुण जरूर होना चाहिए, अदब, अपनत्व और आहुति। अदब मतलब मर्यादा। हर नारी में मर्यादा होना चाहिए। नारी कितना ही आभूषण पहनी हो, सिर से लेकर पैर तक गहनों से सजी हो, सुंदर सुंदर आभूषण पहनी हो, पर अगर उस नारी में मर्यादा ना हो, अदब ना हो, लज्जा ना हो, वो नारी सुशोभित नहीं होती, शोभायमान नहीं होती। नारी का आभूषण ही मर्यादा होता है। चाहे नारी कितना पढ़ी लिखी हो, पर यह वो मर्यादा, बोलने की मर्यादा, देखने की मर्यादा, कपड़े पहनने की मर्यादा, ये मर्यादा होना चाहिए। पहला गुण मर्यादा। दूसरा गुण है कि अपनापन होना चाहिए। अक्सर होता है ससुराल में जब लड़की जाती ना, अगर नैहर से कोई आ गया तो लड़की फटाफट पकोड़ी बना देगी, चूड़ा फ्राई कर देगी, अच्छा कुछ खाना बनाएगी। ऐसा नहीं कि दाल चावल चोखा रख दें, ऐसा नहीं होगा कि भैया मेरे नैहर से आए हैं कुछ अच्छा सा बनाऊं। लेकिन वही लड़की जब उसके ससुराल पक्ष से कोई आ जाए तो जल्दी पकोड़ी नहीं बनाएगी, बेसन ही नहीं है बोले, टाइम लगेगा थोड़ा, सोचेगी। अपनापन होना चाहिए, नैहर का हो चाहे ससुराल का हो, अंदर में भेदभाव नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए।
एक घर में मेरा कार्यक्रम था, बिहार की घटना है। तो जिस गांव में मेरा कार्यक्रम था, जिस घर में मैं रुकी हुई थी, उस घर की बहू ने अपने पिताजी को नैहर से बुलाया, कहा यहाँ पर साध्वी जी आई है, आप भी आ जाइए, पिताजी माँ को भी ले आइए। तो बहू के माता पिता दोनों आए। तो भोजन में अपना रसोई घर में बना रही थी और वहीं पर उसकी बहू भोजन बना के ससुर के लिए और पिताजी के लिए थाली लगा रही थी, भोजन की थाली। वहीं पर हम बैठे हुए थे, देख रहे थे कि बहू जो थाली लगा रही थी उसमें अंतर कहाँ पर होगा, थाली एक सी होगी ससुर की पिता की कि कुछ अंतर होगा। ध्यान से थाली की तरफ देख रहे थे तो बराबर चावल, बराबर दाल, सब्जी, दोनों थाली में सब बराबर निकला। दो बड़ी बड़ी कटोरी लेके आई और दूध पक रहा था हंडी में, दूध जब ढाली तो एक कटोरी में पूरा छाली, एक कटोरी में बिना छाली का। अब हम ध्यान से देखने लगे कि ये दो कटोरी जा रही ससुर के पास में और पिता के पास में, और ये छाली वाली कटोरी किसके पास जाएगी और बिना छाली की कटोरी किसके पास जाएगी। कुछ बता सकते हैं आप लोग कि छाली वाली कटोरी किसके पास गई होगी? ससुर के पास। ईमानदारी से बोलिए, ससुर के पास छाली वाली कटोरी गई होगी? सभी माता कह रही नहीं गई होगी, क्योंकि पता है इतनी बड़ी, इतनी श्रद्धा, इतनी शक्ति नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि छाली वाली कटोरी अपने ससुर को दे दे कि तुम्हारी ही गाय है, तुम्हारा ही माल जाल है, तुम ही कुट्टी काटते हो, तुम ही घास लाते हो, तुम ही छाली खा लो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। जरूर तुम्हारी भैंस हो, तुम्हारी गाय हो, आप ही कुट्टी काटते हो, पर छाली देंगी तो पिता को, ससुर को नहीं। क्यों भेदभाव? अपनापन होना चाहिए।